तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो भाई आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। भाई कल शाम को यहाँ पर बाइक ख़राब होगी, अब वो बाइक लेके सीधा मैकेनिक के पास जाएंगे। क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, क्या हुआ अचानक से ही बंद होगी। अब यहाँ पे खड़ी है अपनी बाइक और यहाँ से लेके सीधा मैकेनिक के पास जाएंगे। देखते हैं क्या खर्चा आएगा, कितना क्या होगा, अब तो सीधा वही बताएगा क्या सीन है। पता नहीं क्या हुआ कल अपने आप ही चलते चलते बंद होगी। अब मैं आया हूँ बस में, हाथ में हेलमेट, और अब ऐसे पैदल चल रहे हैं। बाइक अपनी खड़ी है, कल शाम को यहीं पे खड़ी करके चला गया था मैं कृष्णा डेयरी पे। तो यहाँ से बाइक उठाएंगे, मैकेनिक के पास जाएंगे, क्या होगा वो देखो, वहाँ खड़ी है अपनी बाइक। तो अंदर से लेते हैं चाबी और फिर निकलते हैं यहाँ से। एक फ्रेंड को भी बुलाना पड़ेगा जो यहाँ से टो करवा के लेके जाएगा हमको। तो देखते हैं, लेकर आते हैं चाबी, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई चाबी अपनी मिल चुकी है और ये खड़ी है अपनी बाइक। कोई इंजन फॉल्ट है जिसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो पा रही। अभी यहाँ से लेके जाएंगे, एक फ्रेंड को फ़ोन किया है वो आएगा और यहाँ से टो करके लेके जाएंगे इसको। जाना भी काफ़ी दूर है, रोहतक से काफ़ी बाहर आए हुए हैं। देखते हैं कैसे क्या लेके जाएंगे, आने दो उनको, फिर दिखाते हैं आपको क्या सीन बनता है। पता नहीं यार, सेल्फ वगैरह लगा के देखते हैं अभी, क्या पता हो जाए। कल शाम को नहीं हो पाई थी। नहीं हो रही भाई, सेल्फ भी नहीं उठा रही अब तो। कल शाम को सेल्फ तो उठा ही रही थी। कोई सीन नहीं है भाई, आने दो भाई इनको, देखते हैं क्या होगा, फिर यहाँ से लेके जाएंगे। तो भाई बाइक हमने बुला ली है, अब यहाँ से लेके जाएंगे, देखते हैं कैसे क्या चलेगी भाई, करते हैं ट्राई। छोड़ चुके हैं वो, हमारी वहाँ पे खड़ी है लेकिन अभी नंबर नहीं है। अभी काफ़ी सारी बाइक लगी हुई हैं, शाम को 3-4 बजे के आसपास नंबर आएगा। तब तक हम जाते हैं अपनी काम करने, कुछ काम फिनिश करते हैं, शाम को नंबर आएगा इसका बाइक का, तब देखते हैं क्या कुछ होगा इसमें। भाई मोटा खर्चा आ गया, ये तो बोल रहे हैं इंजन में प्रॉब्लम है, कोई इंजन का फॉल्ट है। देखते हैं भाई क्या होगा, शाम को आते हैं फिर इनके पास। तो भाई कल तो अपनी बाइक ठीक नहीं हो पाई थी, आज खुली हुई है। ये देखो इसकी वॉल बैंड हो गई, पता नहीं कैसे हुई, पर ये देखो पूरा खोल रखा है इसको। अब इसी के साथ साथ एक थोड़ा सा अपने कार्बोरेटर में भी प्रॉब्लम थी, तो वो भी हम ले आए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो बिल्कुल नया कार्बोरेटर है, ये भी डलवाएंगे क्योंकि कभी कभी मिसिंग वाला इशू आ रहा था इसमें, तो वो भी ठीक हो जाएगा इससे। अब हम जा रहे हैं डाक कावड़ पे सोमवार को, तो बाकी के लोग साथ को वहीं के मिलेंगे। तो करवाते हैं इसका जल्दी जल्दी से काम फिनिश, फिर बताते हैं आपको कितना खर्चा आया। लगता तो एक वही ज़्यादा ही जाएगा, चलो करवाते हैं इसको।
तो वही बाइक का काम चल रहा है जोरों शोरों पे। ये सारे स्पेयर पार्ट खोल के रखे हुए हैं यहाँ पे। ये कार्बोरेटर पुराने वाला, ये नया। और भाई अभी तो एक मेजर प्रॉब्लम ये हो रही है, जो पुराना वाला कार्बोरेटर है और जो नया है उसमें एक पाइप नहीं मिल रही। ये बड़ी पाइप, तीन चार दुकानों पे पूछ चुका हूँ, इसमें इस कार्बोरेटर में ये पाइप है ना वो नहीं मिल पा रही। तो अभी देखते हैं, ये लेके आया हूँ। ये बोल रहे हैं लग जाएगा, लगा के टेस्ट करेंगे, अगर लग गया तो ठीक है, वरना भाई कार्बोरेटर तो गया, क्योंकि उसके पैसे नहीं लेंगे। भाई बाइक का काम हो गया अपना कंप्लीट, और इंद्र देव कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं। सुबह से बारिश लगातार चल रही है, बाइक अपनी हो गई है कंप्लीट। कार्बोरेटर चेंज करवाया है हमने इसका, और इसके चेंज हुए हैं वॉल, दोनों वॉल चेंज हुए हैं, बाकी और तो कुछ नहीं है। फिर मैंने ऑयल डलवा लिया मोड्यूल का, बाकी तो सब ठीक ही था। अभी खर्चा चेक करेंगे कितना आया है, चेक करके देखिए, वैसे सही चल रही, बाकी और तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं। अभी हरिद्वार जाएंगे तो ये मिरर वगैरह उतरवाने पड़ेंगे हमें, और फिर साइलेंसर उतरवाना पड़ेगा वहाँ से। वहाँ तक हमने थोड़े से नट लूज़ करवा दिए ताकि वो सब हो जाए। और आपको दिख रहा होगा तो ये नया कार्बोरेटर लगा है इसमें, ये कार्बोरेटर चेंज करवाया और एक ये चेंज हुआ, बाकी वॉल दोनों बैंड हो गए थे, उसकी वजह से प्रेशर ख़त्म हो गए, बाइक बंद हो गई थी। भाई बैंड क्यों हुए उसका रीज़न नहीं पता, बट वॉल बैंड होने की वजह से ही बाइक ख़राब हुई थी। तो यहाँ से करते पेमेंट और देखते हैं क्या कुछ बिल बनेगा। तो भाई बाइक को हम वहाँ से ले आए हैं, और बाइक में टोटल खर्चा आया भाई 4000 का, जिसमें से 2100 का तो है कार्बोरेटर, और बाकी ये जो वॉल और ये ड्राइविंग चैन की सील वगैरह डली हैं उनका 4000 में ही अपने बाइक हमें मिलेगी। भाई बाइक बिना ना यार सारे काम अधूरे हो जाते हैं, आदत सी बन गई अब तो, ये फैमिली मेंबर टाइप। तो भाई अभी हमारा प्लान बन गया पिज्ज़ा खाने का, बाइक ठीक होने की खुशी में। ये अपने चाचा जीत की बाइक, तो हम चार जा रहे हैं अभी पिज्ज़ा खाने के लिए, देखते हैं यहाँ पे नियर बाई कहाँ पे मिलता, वहीं पे जाएंगे अभी। बाइक ठीक होने की खुशी में हम आ गए हैं पिज्ज़ा हट पिज्ज़ा खाने के लिए, फीलिंग हैप्पी। उधर है पिज्ज़ा, ये देखो पिज्ज़ा हट में आ गया, भूख लगी थी भाई सुबह से, बाइक के पीछे पीछे लगे हुए थे, बारिश भी आई हुई थी, कई बार इधर उधर कुछ सामान लेने जाना पड़ता, बारिश में भीगते भीगते दिल्ले हो रखे हैं। फाइनली बाइक ठीक हो गई है और उसी की खुशी इतनी। तो भाई पिज्ज़ा हमने ऑर्डर कर दिया, दिन देखो हमने मंगवाया है एक पनीर, एक वेजी फिस्ट और गार्लिक ब्रेड और दो पेप्सी। तो भाई ये अपना पिज्जा आ गया, ये पनीर स्पाइसी पनीर, और ये अपना वेजी कोल्ड ड्रिंक्स सबके लिए, ये ब्रेड स्लाइसेस। भूख लग रही है, जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। भाई राशन पानी खत्म कर गए, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, चक्के बैठ गए। हैवी हो गया था भाई, 4 मील था, फिर भी 4 के लिए हैवी हो गया था काफ़ी। तो भाई यहाँ से हम सीधा जाएंगे घर पे, आज की वीडियो का करते हैं यहीं पे खत्म, लाइक कर देना।
क्या पीना कर रहा है। और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।